सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और संभावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहत एवं व्यापक अवसर होगा। मान्यवर, गवर्नेंस के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्रवाई के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में मैं इस सम्मानित सदन को समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल पर DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।